हेलो ऑल, आप सब अच्छे होंगे शायद। हम सब ने इन ये जो परेशानियाँ सामने आई है, इन सब से जूझना है, हमें आगे निकलना है, बढ़ना है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आया है अभी रिसेंटली। वो लोग कह रहे हैं कि सर, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बिकॉज़ मैं पढ़ने बैठता हूँ दिमाग कहीं और जाता है। क्यों होता है ऐसा, ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप जीवन में वो करें, मैं आपको जो जिस चीज़ के लिए आपने जिसे ठाना है करने के लिए। अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई चूज की है, आपने अगर मेडिकल की पढ़ाई चूज की है, आपने अगर IAS और PCS की पढ़ाई चूज की है, तो वो आपने अपनी स्वेच्छा से की है। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला है कि आप इसे कीजिए। और अगर आपने जबरदस्ती की है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप उसे आज ही छोड़ दें, आप उस चीज के प्रति नहीं जाए कि और अगर आपने अपनी स्वेच्छा से की होगी, तो आपको किसी चीज के लिए तो आपको कोई भी चीज कोई भी नहीं रोक सकता है उस चीज को करने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया अपनी स्वेच्छा से, क्या आपको कोई व्यक्ति बोलता है, क्या आप उनसे बात करें? आप अगर किसी को कॉल करते हैं तो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, क्या आपको कोई कहता है कि आप मुझे जबरदस्ती कॉल करें? क्यों? क्योंकि वहां आपका जो इच्छाएं हैं वो प्रबल है और उसके प्रति आप करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो भी आप चीज चुने वो अपनी प्रबलता के साथ चुने, जो भी आप करें पूरे मोटिवेशन के साथ करें। आपको ये होना चाहिए आपकी आपकी दृढ़ शक्ति के साथ ही नहीं, मैंने ये पाथ को खुद चुना है, और जिस चीज को आप खुद चुने हैं उससे आपको मोहब्बत होनी चाहिए, और उसी मोहब्बत और उसी झील के साथ आपको उसके प्रति काम करना चाहिए आपको। फिर आपको बिल्कुल शिकायत नहीं रहेगी। अगर आप पढ़ने बैठे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी इच्छा है। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? एक एग्जाम्पल लीजिए। आपकी इच्छा नहीं है, सपोज आज आपका क्लास है लेकिन आज आपको करना नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आज आपको क्लास नहीं करना, अरे यार क्लास रख दिया इस टीचर ने, आज इच्छा नहीं थी, बिकॉज क्योंकि आपकी घूमने जाने की इच्छा थी, राइट? लेकिन जिस क्लास में आप आ रहे हैं वो आप अपनी इच्छा से आ रहे हैं, ना कि आपको किसी ने ये बोला है कि आप जबरदस्ती इस क्लास में आके बैठे। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आप काम करें पूरे झील पूरी भावना पूरी श्रद्धा के साथ काम करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको आपका माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे से उस प्रति चीज के काम कर पाएंगे, और आपको सफलता भी बहुत कम समय में मिलेगी। तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करें, सोचें, प्रतिदिन अपने ऊपर बैठ के टाइम दें। 10 से 15 मिनट का समय देना आपको प्रतिदिन बहुत आवश्यक है अपने ऊपर। सोचें, क्या मैं जो काम कर रहा हूं, क्या जो मैंने अपने जीवन में लक्ष्य तय किया है, क्या उसके प्रति मैं अग्रसर निरंतर चल रहा हूं? अगर आपके अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि हाँ तुम सही चल रहे हो, तो आप ये समझिएगा कि आप बिल्कुल अपने सही लक्ष्य पे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, और आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। अगर आपकी दिल आपकी और आप ये बोलता है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, तो उसी प्रति उसी क्षण अपनी जो विचारधारा है उसको बदलें, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपके जीवन में करना है, उसके प्रति अग्रसर निरंतर काम करें। तो मेरी आप लोगों से बस आप लोगों से इच्छा है कि आप पढ़ें, सारी चीजें करें, प्रतिदिन अपने प्रति जरूर काम दें, अपने प्रति जरूर समय दें, 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालें, सोचें अपने बारे में बैठ के, सोचें क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। आपका अंतर्मन से आवाज आएगा, अगर वो सही है तो आपको लगेगा कि ये सही कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो आपके अंतर्मन से आवाज आएगा कि ये गलत हो रहा है, अगर वो गलत हो रहा है तो उसको उसी समय ठीक करें। नहीं समझ में आ रहा है, उनसे बात करें जो आपको लगता है कि आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। बात करना बहुत जरूरी है, समझने की कोशिश करें, ऐसे टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करें, अपने अपने टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज करें, बिकॉज समय कम है। और अगर आपका मन नहीं लग रहा है उस चीज में, तो उसे उसी समय छोड़ें, जिस चीज में मन लग रहा है वो काम को करें, बिकॉज वो अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई चूज की है, मेडिकल की पढ़ाई चूज की है, अगर आपने 2 साल कर लिया और आपको वो बाय जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि उस चीज को नहीं करें, बिकॉज 4 साल करने के बाद भी, डिग्री मिलने के बाद भी, आपको 40 साल तक उसको झेलना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप उसको उसी समय ड्रॉप करें और वो करें जिसमें आपको सफलता मिल सकती है, उन इच्छाओं के प्रति चलें, जबरदस्ती ना करें। मैं बार बार बोलता हूं इस चीजों को। और अगर आपने उसे चुना है तो ये सोच के करें कि मैंने इसे अपनी इच्छा से चुना है और मुझे जीवन में ये चीज करनी है, तो आप उसको निरंतर करें, आप उसको निरंतर उसके प्रति मेहनत करें,
और मैं बार बार कहता हूं, अपने प्रति समय जरूर दें। 15 से 20 मिनट का टाइम दें, सोचें आपने जो आज पूरे दिन का शेड्यूल बनाया था क्या आपने उसको फॉलो किया, नहीं किया तो उसका रीजन क्या है। जो रीजन है प्रतिदिन 1 वीक तक उसके ऊपर काम करें, लगातार काम करें, और आपको लगता है कि रीजन आपका वैलिड है जो नहीं काम किया तो ठीक है, अगर वो लगता है अनवैलिड है तो उसको अपने जीवन से, दिनचर्या से हटाएं, धीरे धीरे दिनचर्या से उसको अलग करें और फिर देखें आपका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होता है। आपकी आपके अंदर जो चीजें पहले जिस मात्रा में आ रही थी उससे कई गुना अधिक मात्रा में फिर आपको एडप्शन होगा उस चीजों का, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान दें, इस चीजों के प्रति काम करें। हमें मालूम है कि हमें कोई बताने वाला नहीं होता, गाइड करने वाला नहीं होता, तो हमारा माइंड बहुत फास्ट भागता है, बहुत तेज चलता है, हम 1 मिनट में यूएस से यूएस सिंगापुर घूम के आ जाते हैं, पल नहीं लगता है ना। तो उस चीज तो हमें उसी चीजों पर अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीखें, अपने माइंड को ये बताना सीखें कि नहीं क्या गलत है क्या सही है। आपने जो लक्ष्य साथ चुना है, आपने आप जो इस लक्ष्य के प्रति काम कर रहे हैं उसके प्रति निरंतर अग्रसर काम करें। जय हिंद।